वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए कंपैरिजन ऑफ ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये हमारा केस सेकंड है फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसके पहले वाले केस में हमने सेम कंप्रेसर रेशो के लिए कंपैरिजन देखा था। अब सेकंड केस है फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसमें ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल है, जो इसमें क्या कंपैरिजन है इनके बीच में इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो कंपैरिजन ऑफ ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इसमें हमने पीवी डायग्राम ड्रा किया। पीवी डायग्राम आपको दिख रहा है। जिस पीवी डायग्राम में सेम मैक्सिमम प्रेशर, हमने जो मैक्सिमम प्रेशर है वो सभी साइकिल का क्या है, सेम है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल, तीनों साइकिल का जो मैक्सिमम प्रेशर है वो हमने सेम रखा, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी हमने सेम रखा, जो कि हमारे प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रापी डायग्राम में शो हो रहा है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इस केस में किस साइकिल की एफिशिएंसी है, दक्षता जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इसमें आपने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में देखेंगे तो द थ्री साइकिल आर शोइन ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम विच हैव सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमने तीनों साइकिल को एक पीवी डायग्राम में और टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, जिसमें हमने रखा है तीनों साइकिल का जो मैक्सिमम प्रेशर है वो सेम, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी सेम है, जो कि आपको पीवी डायग्राम में दिख रहा है। अब हियर एरिया 1534, 1534 जो एरिया है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, ऑटो साइकिल के लिए। ऑटो साइकिल इस पीवी डायग्राम में कौन सी है, 1534, ये हमारा एरिया किसका है, ऑटो साइकिल का। एंड 1234, जो 1234 है ये एरिया हमारा किसका है, डीजल साइकिल का। एंड 1674 ये हमारा एरिया किसका है, डुअल साइकिल का, ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम के अंदर। अब हम इसमें देखेंगे हियर वी सीन फ्रॉम पीवी डायग्राम। अब हम पीवी डायग्राम में हमको दिख रहा है कि जो हमारा एरिया है वो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, डीजल साइकिल का है। मींस तो द वर्क डन या एरिया, हमारा सबसे ज्यादा वर्क किसमें हमको मिल रहा है, डीजल साइकिल में मिल रहा है, क्योंकि उसका जो एरिया है वो हमारा ज्यादा है किसके अपेक्षा, ऑटो साइकिल की अपेक्षा या डुअल साइकिल, इन दोनों से ही हमारा क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होगी इस केस में, डीजल साइकिल की होगी, क्योंकि जिसका वर्क डन ज्यादा होगा, वर्क डन मतलब होता है आउटपुट, क्योंकि जो इफिशियंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती है, तो वर्क डन आउटपुट, हीट सप्लाई क्या है, इनपुट है। तो यहां पे हमारी जो इफिशियंसी है वो डीजल साइकिल की इस केस में क्या है, मैक्सिमम होगी। उसके बाद डुअल साइकिल की होगी, क्योंकि डीजल के बाद जो एरिया सबसे ज्यादा है वो किसका है, डुअल का है, और सबसे कम किसका है, ऑटो साइकिल का है। तो इस केस में सबसे कम इफिशियंसी जो होगी वो ऑटो की होगी। तो हियर वी सीन फ्रॉम पीवी डायग्राम द वर्क डन या एरिया ऑफ डीजल साइकिल इज मोर देन ऑटो एंड डुअल साइकिल, एंड एरिया ऑफ डुअल साइकिल इज मोर फ्रॉम ऑटो साइकिल बट लेस फ्रॉम डीजल साइकिल। देयर फोर, इसलिए द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज मैक्सिमम एंड दैट ऑटो साइकिल इज द मिनिमम फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इस केस में हमारी ये इफिशियंसी है जो इस तरह से होगी। अब इफिशियंसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफिशियंसी डीजल इज ग्रेटर देन इफिशियंसी डुअल इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑटो। तो यही हमारा जो कंपैरिजन है तीनों साइकिल की एफिशिएंसी में, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट पीवी टीएस डायग्राम में दिखा के मेंशन कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि इस साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, बाकी की जो साइकिल है उसकी एक ऑर्डर में हम अरेंज करके लिख देंगे। तो यही क्या होता है, ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल में सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर केसेस में कंपेरिजन होता है। ओके, थैंक यू।